देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। आउटर रिंग रोड मुकरवा चौक फ्लाईओवर के नीचे रेलवे की पटरी पर मिला व्यक्ति का शव। मुकरवा चौक बस स्टैंड पर जमीन पर पड़ा भारी मात्रा में खून बस स्टैंड से पटरी तक दिख रहे हैं। खून के निशान मुकरवा चौक बस स्टैंड पर वारदात को अंजाम देकर सबको रेलवे पटरियों के बीच में फेंकने की आशंका। लॉकडाउन के दौरान वारदात को आउटर रिंग रोड पर दिया गया अंजाम। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान। पुलिस के आला अधिकारी और क्राइम टीम मौके पर जांच में जुटी। युवक की पीट पीट कर हत्या, शव पटरी पर फेंका। मुकरवा चौक के पास युवक की पीट पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। हत्या के बाद हमलावरों ने शव को ठिकाने लगाने के मकसद से दो रेलवे पटरियों के बीच में फेंक दिया। सोमवार दोपहर को घटना सामने आने के बाद समयपुर बादली पुलिस FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई और मृतक के पास से मिले दो मोबाइल फोन के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। मृतक के पास दो मोबाइल फोन मिले हैं, जिससे यह बात तो बिल्कुल साफ है कि वारदात को लूटपाट के इरादे से अंजाम नहीं दिया गया है। जांच अधिकारी ने बताया कि मुकरवा चौक पर युवक के साथ बुरी तरह से मारपीट भी की गई। इसकी वजह से मुकरवा चौक बस स्टैंड पर खून के धब्बे पड़े हुए मिले हैं। फिर युवक को ट्रेन पर फेंक दिया गया था। लोगों ने खून के धब्बे देखकर पुलिस सूचना दी और पहले यह सूचना महिंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन को दी गई, लेकिन जांच के बाद मामला समयपुर बादली थाने का पाया गया। फिलहाल अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से घटनास्थल में खून के निशान पड़े हुए हैं, उसे देखकर यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि बेरहमी से युवक की हत्या की गई। उसके बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए दोनों पटरियों के बीच में फेंक दिया गया। फिलहाल मृतक के पास से मिले दोनों मोबाइल के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक सामंतवादी थाना पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी।